धरती पर कहीं जन्नत है तो यहीं है, इश्क की बारिश अगर कहीं है तो यहीं है, हर पन्ने पर अगर नई कहानी है तो बस यहीं है। यूरोप का ये शहर जो सिर्फ रोमांस के लिए जाना जाता है, जहाँ की खूबसूरती सबका दिल जीत लेती है। जी हाँ, हम यानी कि सास बहू और साजिश पहुँच गया है यूरोप के स्विट्जरलैंड में, जहाँ एक अनजाना है एक अनजानी, दोनों की पुरानी है कहानी। रोली और सिद्धांत फिर आ गए हैं एक साथ, पर रास्ता भी नया है और मंजिल भी, क्योंकि दोस्तों की ये जोड़ी इस सफर में लिखेगी एक नई कहानी। अर्ली मॉर्निंग फ्लाइट शिनचान। अबे यार, हम पहुंच तो गए हैं ज्यूरिख, दैट इज द बेस्ट पार्ट, लेकिन आई नीड टू टेक अ शावर। यू नीड टू टेक अ शावर? या आई हैव समथिंग नाइस फॉर यू। ये देख, अराइवल लाउंज। ओह, दैट इज समथिंग न्यू। मुंबई से ज्यूरिख तक का सफर कुछ घंटों में अविका और मनीष ने तय तो कर लिया, लेकिन सफर की थकान इनके चेहरे पर दिख रही थी। फिर बस फ्रेश होकर अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए निकल पड़े मनीष और अविका। के इस सफर के दौरान तैयारी हो रही थी एक नई कहानी की। मनीष और अविका दोनों ही अपनी शॉर्ट फिल्म के लिए भी शूट कर रहे थे। पहुंचकर इन हसीन वादियों ने तो इन दोनों का दिल जीत लिया था, और इस सफर को और भी खूबसूरत बनाने के लिए हमने इन दोनों के लंच का खास इंतजाम कर रखा था इस स्पेशल क्रूज पर। ये जो बोट है वो 200 साल पुरानी फ्लीट है, और डेफिनेटली पैदा नहीं हुए थे, 200 साल पुरानी बात है ये। एंड ये जो फ्लीट है, फ्लीट ऑफ बोट्स है, दैट इज द लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड। यार एक बात बता, जूलिया हमें यहाँ कंफ्यूज करने के लिए आई है, खाने के लिए लाई है? अभी फिलहाल कंफ्यूज करने के लिए। हमें दो ऑप्शन दिए गए कि हम यहाँ पे अपना लंच कर सकते हैं या फिर ऊपर, एंड कंफ्यूजन इतना है तो एक काम करते, दूसरी जगह भी देख ही लेते। फीफे यानी इस क्रूज पर पहुंचते ही मनीष और अविका के बीच एक नई जंग शुरू हो गई। अविका नीचे बैठकर आराम से लंच करना चाहती थी, वहीं मनीष ऊपर इन हसीन वादियों के बीच, और अविका से अपनी बात मनवाने के लिए मनीष ने खूब जतन किए और उनकी ये मेहनत काम भी आई। क्रूज के ऊपर इन हसीन वादियों के बीच ये भारतीय खाना और भी टेस्टी लगने लगा। फीफे में लंच के बाद हम पहुंचे उस जगह जहां पर हसी वादियां और ठंडी हवाओं के नशे के साथ इस जगह की खूबसूरती खत्म नहीं होती। अभी तो हम आपको मनीष और अविका के साथ मिलकर जन्नत की सैर कराएंगे। तो हम पहुंच गए हैं, देखिए ना, ये यहाँ पे लंबी लंबी सांसें ले रहे हैं, और हम कहाँ पर हैं? हम उस जगह पे हैं जहाँ कोई व्हीकल्स अलाउड नहीं है। इतनी प्योर एयर आपको दुनिया में कहीं नहीं मिलेगी। हाँ, मैं थक गई।
अभी बहुत हो गया प्रैक्टिस मोड, थकना वकना, अभी प्रो मोड। इन बर्फीली पहाड़ियों के बीच कोई है जो विदेश में भी हिंदुस्तान का नाम ऊंचा कर रहा है, और वो कौन है, उनसे आपको मनीष मिलाएंगे। हेलो, हाय। हाय, व्हाट आर यू डूइंग? स्कीइंग। स्कीइंग? डर नहीं लगता? नहीं। चलो ठीक है, कूलेस्ट थिंग एवर। आर यू सीरियस? दीज आर द ब्रेवेस्ट पीपल ऑन प्लैनेट अर्थ। मनीष और अविका ठंड में ठिठुर रहे थे, वहीं ये दो जनाब गंगनम स्टाइल दिखा रहे थे। और उनके स्टाइल को भी करारा जवाब दिया मनीष ने SRK के इस फेमस स्टेप के साथ। मैं ठहरा रहा, जमी चलने लगी। धड़का ये दिल, सांस थमने लगी। क्या ये मेरा पहला पहला प्यार। बॉलीवुड का बड़ा पर्दा हो या छोटे पर्दे की प्रेम कहानी, इन बर्फीली पहाड़ियों के बीच बिना रोमांस के सब कुछ अधूरा है। और DDLJ के राहुल और सिमरन की तरह इस शिफॉन की साड़ी में आकर ये भी कुछ इसी तरह का सीन फिल्मा रहे हैं। के मजे तो मनीष और अविका ले रहे थे, पर उनकी एक तलाश थी जो अभी भी अधूरी थी। वो नजारा जिसे देखने के लिए वो इतनी मेहनत कर रहे थे, वो उन्हें अभी तक नहीं दिखा था। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं माउंट होन की, जिसे देखने के लिए मनीष और अविका बेकरार थे, लेकिन स्नोफॉल और फॉग की वजह से उन्हें माउंट हॉर्न नहीं दिखा। और फिर उन्होंने क्या किया, ये आप ही देख लीजिए। आज हम लोग बहुत सैड सैड थे क्योंकि हमें माउंट हॉर्न दिखाई नहीं दे रहा था, और फिर हमें अविका यहाँ लेके आई। ये क्या है? ये किसी ने बहुत बड़े प्यार से बनाया है, एग्जैक्टली द वे द रियल वाला इज, एंड इट इज सो कूल। जो वहाँ पे है, जो हमें नजर नहीं आ रहा है। Yes, और इसकी एक स्टोरी भी है कि टोब्लरोन चॉकलेट, अगर आप उसके शौकीन हैं, तो उसका जो एक्चुअल लोगो है वो यहाँ से लिया गया है, इंस्पायर यहाँ से हुआ है, एंड दिस इज व्हाट इट इज। मजे तो आप सबने ले लिए,
लेकिन अब आपको यहाँ के मार्केट में लेकर चलते हैं, जहाँ के आलू गोभी हो या फिर तीखे मसाले, सब कुछ बिल्कुल हमारे जैसे ही हैं। And the best part is कि इस गली में every Saturday यहाँ पे ये local farmers आते हैं और vegetables बेचते हैं, क्योंकि उन्हीं rich और famous लोगों को farmers का directly उस quality के vegetables खरीदने का मौका मिलता है, and that is so cool. मोन्त्रो की गलियों में घूमकर अविका और मनीष ने अपनी शाम बिताई, जहाँ ढेर सारी चॉकलेट के साथ शॉपिंग करने का बहाना भी इन्हें मिल गया। दिन की शुरुआत, हर चीज़ की शुरुआत गणपति पापा का नाम लेके करते हैं, राइट? और अगर गणपति पापा खुद यहाँ चल के आके हमें बोलें कि बेटा गुड मॉर्निंग, कैसा फीलिंग आएगा? मस्त वाला। गणपति पापा कह दो हमको गुड मॉर्निंग। यहाँ पे बहुत चॉकलेट है। टेक अ डीप ब्रेथ इन एंड ब्रीद आउट, बट वेट, ब्रीद अगेन। हम हैं यहाँ के प्रोमनाड पे, एंड यहाँ पे बहुत प्यारी प्यारी सी चीज़ें हैं जो डिस्प्ले पे हैं शॉपिंग के लिए। आई थिंक तुझे देखनी चाहिए यार, आई थिंक दिस इज रियली ग्रेट फॉर यू। इसको कहते हैं ड्रीम कैचर सुधीर, ये यहाँ पे घर पे लटकाया जाता है, एंड इट्स समथिंग लाइक विंड चाइम्स, वैसे लटकाया जाता है, एंड दे से दीस गाइस कैच ड्रीम्स। हमने घर पे तो बहुत सारे दादी माँ के नुस्खे अपनाए होंगे और बहुत कुछ ट्राई किया होगा। यहाँ हमारी इंटरनेशनल दादी माँ जो है वो भी कुछ सब सिखा रही हैं। ये जो सारी चीज़ें हैं यहाँ के टूरिज्म प्रमोट करने के लिए करी गई है, एंड हर साल ये जो पूरा डेकोर है वो पूरा चेंज किया जाता है, सो दैट हमारे पास अगर हम लोग अगले साल भी आए तो कुछ फ्रेश हो देखने के लिए, एंड दिस इज अ ब्यूटीफुल एफर्ट। मार्केट के सैर सपाटे के बाद अविका ने मनीष को दिया एक प्यारा सा सरप्राइज। अविका मनीष को वहाँ लेकर गई, जहाँ जाते ही मनीष के चेहरे पर स्माइल आ गई, और ये जगह उनकी है जो सबको दिल खोल कर हंसना सिखाते थे। जी हाँ, ये है चैपलिन वर्ल्ड। हम लोग स्विट्जरलैंड के वो हिस्से में हैं जहाँ हम ठंड से नहीं कांप रहे हैं, हम खुशी के मारे कांप रहे हैं, बिकॉज हम लोग हैं 100 चार्ली चैपलिन जी के घर पे। हम लोग एक टर्म यूज करते हैं हर चीज में, जॉय, that is happiness, जो internal joy, उसका मतलब जानना चाहते हैं? आइए साथ में चलते जाइए, मालूम पड़ेगा। That is joy, his hat, his everything, चार्ली चैपलिन की हर एक चीज़ यहाँ पे है। हंसी के बिना वाला जो दिन है वो आपका दिन बेकार जाता है, तो I think it's lovely, you know. जो उसके हैप्पीएस्ट साल थे 25 साल वो यहाँ पे रहे।
तात्पर्य वो चैपलिन जो थे उन्होंने शॉर्ट फिल्म्स बनाने से शुरुआत की 1914 में, और राधर दिन कोई बड़ा सेट एक्सपेंसिव सेट बना, उन्होंने इस लॉस एंजलिस के इस गली में ऐसी गली में शूट करना शुरू किया। मैं आज इंटरव्यू लेने वाली हूँ, पता है किसका? आपका घर गिर रहा है, आप टेबल के नीचे हो, कैसा महसूस हो रहा है? अबे टेबल के नीचे कैसा महसूस होगा बे? तो ये था आपके लिए एक्सक्लूसिव इंटरव्यू चार्ली चैपलिन का, टेबल के नीचे से स्विट्जरलैंड में चैपलिन्स वर्ल्ड में रिपोर्टिंग अमिका गौर विद एबीपी। सर जो तेरा चकराए पास हमारे काहे घबराए फाइन बाय काहे शॉक है ना आपको? चलो जेल, चलो जेल। ओके 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 चेहरों पर मुस्कान लाने वाले चार्ली ने अपने जिंदगी के आखिरी दिन इस घर में बिताए थे, जहां पहुंचकर मनीष और अविका उनके हाथों से लिखे हुए नोट देख रहे हैं और उनके घर की सैर कर रहे हैं। टिंग डिंग डिंग टिंग डिंग डिंग टिंग डिंग डिंग टिंग डिंग डिंग एंड हम लोग आ चुके हैं चार्ली सर के घर पे। बहुत सारे बच्चों के बीच में, बहुत सारे बच्चों के साथ है। हाँ, तो सीधा डाइनिंग स्पेस में ही एंट्री हो रही है, इसका मतलब ये है कि उन्हें भी खाना बहुत पसंद था, वो यहीं बैठ के खाते होंगे उनके। He looks like a fun guy. Absolutely. Yes, and ये यहाँ पे वो अपने 8 बच्चों के साथ रहते थे और उनकी 3 वाइफ से। सैल्यूट सर, हिंदुस्तान में हम एक नहीं संभाल पाते। सो ये जो है ये इनका फेवरेट पार्ट था, वो यहाँ पे बैठ के अपना पियानो बजाते थे, लिरिक्स म्यूजिक कंपोज करते थे, एंड अ काउंटलेस फ्रॉम हांगकांग इज द वन जो उन्होंने वर्ड्स एंड म्यूजिक खुद दिए हैं। चैपलिन ने भी अपने आर्टिकल्स, अपने राइटर्स जितने भी थे वो सारे संभाल के यहाँ वहाँ रखे हैं।
उनको कौन कौन लोग विजिट करने के लिए आए थे? हमारे हिंदुस्तान से ही हमारे बापू महात्मा गांधी, चाचा नेहरू, मोहम्मद अली, यू हैव ऑल दीज पीपल हु हैड कम हियर। सर आइंस्टाइन यहाँ खुद खड़े हुए हैं, बहुत कमाल की चीज़ कर रहे हैं। एंड आपको एक खास बात बताते हैं, ये जैसा कि आप देख रहे हैं वो अपने आप को मिरर में देख रहे हैं। आइए ध्यान से देखिए, अब हम आइंस्टाइन सर के पास में चले गए। हम भूत हैं क्योंकि हम मिरर में नजर नहीं आ रहे। हेलो आइंस्टाइन सर, आप सिर्फ उन्हें देख सकते हैं, हमें नहीं देख सकते। इसको बोलते हैं इंटेलिजेंस। टीवी पर वाइपर देखा है कभी आपने? इसको कहते हैं इंटेलिजेंस। नहाते नहाते मस्ती करते हुए अगर पानी लग जाए स्क्रीन पे तो यू हैव द वाइपर। एंटरटेनमेंट खराब नहीं होना चाहिए। चलिए अब आपको दिखाते हैं कि अंग्रेजों के जमाने की जेल कैसे हुआ करती थी। ये देखो, ये है हमारा सियोन कैसल। तेरा जेल बड़ा कूल है यार, हेडफोन्स वगैरह दिए इधर साथ में। इसका करना क्या है? चलो बताती हूँ। क्या करना? पेंट क्यों नहीं किया? क्योंकि वो हमारा वेट कर रहे थे कि हम लोग आके विल पेंट द टाउन रेड। केजीओ का टूरिस्ट स्पॉट लग रहा है ये। ये जो वॉल आप देख रहे हैं उसे ध्यान से देखेंगे, उस पर एक चारकोल की पेंटिंग है और वो किसी यहाँ के एक प्रिजनर ने बनाई है। ये नहीं जानते कि किसने बनाई है, कि किसने बनाया, बट ये जीसस ने कहा या क्या, कुछ नहीं पता। बट यस, जीसस की तस्वीर बनाई हुई है यहाँ पे। यार तेरा ये प्रिजन बड़ा कमाल का है यार। अब कैसल ही बोल दो, प्रिजन था। अब आई अक्कल। अच्छा सुन, ये बता यार, ये बड़ा कूल सा है इधर क्या, मतलब यहाँ आई अंडरस्टैंड लाइक स्विट्जरलैंड का कल्चर है कि यहाँ वाइन बनाई जाती है। क्या बात करिए। एंड आप देखना चाहते हैं वाइन कैसे बनती है? ये देखिए, ये जो पीछे बैरल्स हैं इसमें आप पूरी वाइन भरी पड़ी है और ये सालों साल इसमें रखी जाती है। इट्स अ पार्ट ऑफ द कल्चर। तो ये सालों साल यहाँ पे रखी जाती है फर्मेंटेशन के लिए एंड देन उसके बाद आपके आप तक पहुँचती है। वेरी वेरी एक्सपेंसिव वाइन। तुम्हें क्या लगता है, तुम बड़ी कूल हो जो वहां महाराजा की चेयर के वहां आसपास घूम रही हो। अच्छा तुम्हें बताता हूं मैं कहाँ बैठा हूं, फिर तुम यहाँ तोड़ी चली आओगी। ये उनका किचन है, यहाँ प्यारा प्यारा खाना बनता था और वो भी हाईटेक मैकेनिज्म के साथ। बढ़िया, यहाँ खाना सर्व होता था। ये जो है
ये खास कंस्ट्रक्ट किया गया था, इसके अंदर आग जलाते हैं ताकि पूरा कमरे को गर्म रखे, यहाँ इतनी सर्दी है, बट ट्रस्ट मी बड़ी मज़ेदार सर्दी है। हम लोग वैसे कहाँ बैठे हुए हैं? मॉन्ट्रियो में। हम लोग मॉन्ट्रियो में बैठे, मॉन्ट्रो में बैठे हुए हैं। मॉन्ट्रो में हम लोग जो ये बोल रही है वहाँ पे बैठे हुए हैं, और उसके बाद हम जिनीवा लेक के ऊपर हैं, और पीछे जो आप देख रहे हैं उसे कहते हैं फ्रांस। सो इट्स ऑल हियर इन स्विट्जरलैंड। ये लड़की फ्रांस से भाग रही है, स्विट्जरलैंड में घुस रही है। 1 2 3 गो। सो बेसिकली ये जो सेंटर है यहाँ पे, ये इंसाफ का जो तराजू आपको नजर आ रहा है, ये इसलिए है क्योंकि यहाँ पर लोगों को बुला कर के जजमेंट सुनाए जाते थे, और ये ओपन कोर्ट होता था। एंड ये यहाँ पे जो है ये पार्लियामेंट है, बहुत बड़ा सा और बहुत गुड लुकिंग सा। और इसकी स्पेशलिटी ये है कि सारी चीज़ें इस एरिया में सब कुछ स्टोन से बना हुआ है, ओनली द रूफ इज़ अलाउड टू बी वुडन। स्विट्जरलैंड का सफर अभी खत्म नहीं हुआ है, अभी तो ढेर सारी जगह घूमनी है, खूब सारा एडवेंचर बाकी है। स्विट्जरलैंड से कैमरामैन आतिश कामले के साथ विभा कॉल भट्ट की रिपोर्ट। ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।